तुम्हारे का दिल कितना बड़ा है जी, मुझे मुसीबत में देखा और मेरे मददगार को भेज दिया। मैं आपका मददगार? जी, मेरा छोटा भाई चंदू। चंदू? क्या हुआ चंदू को? मैं, झुमरू, अली भाईजान, हम सब कब से उसे ढूंढे जा रहे हैं, पर वो कहीं मिल ही नहीं रहा। कहाँ नहीं ढूंढा उसे। जनेह जी, आप चंदू को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे ना? मदद? ऊपर वाले ने तो मुझे बनाए ही आपकी मदद करने के लिए। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा सारा जी। चलिए चलिए। अब चले जी, मेरा हाथ, मेरा हाथ। हाथ। शुक्रिया। चले। Thank you.
चला दूंगा सफर। क्या कर रहे हो? आका मुझे जाने दीजिए, मैं इसकी जान ले लूंगा। अंगूठी छाप पूरे बगदाद के लिए जफर नेक दिल और वतन परस्त है। तुम उसे मार तो दोगे लेकिन वो मरेगा नहीं, शहीद बन जाएगा। और मैं इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता इसको। हम जीत के भी हार जाएंगे। अब भी अगर तुम जाकर उसे मारना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो अब हम क्या करें आका? सब अलादीन को जफर ने दिमाग से हराया था, अब अली भी सफर को दिमाग से हराएगा। हम ऐसी चाल चलेंगे कि सफर अपना गुनाह खुद कबूल करेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। मैं समझ गया आका। कौन है वा? जो कोई भी है हमारे सामने आओ, यह हमारा हुक्म है। हम बगदाद के वजीर आला है। वल्लाह गरीबों को तो रोज खाता हूं, आज एक वजीर के कबाब खाऊंगा। वजीर के कबाब? क्या बकवास लगा रखा है? ये क्या मतलब हुआ? मतलब अभी समझाता हूं। चिके ये कहा? क्या ये? कौन हो तुम? सामने आओ। अल्लाह, वजीर आला की वजह से कम घबराया घूमता था, जो भी शहजादी भी। खैर कोई बात नहीं, कुछ देर अपनी गुल्लू के साथ वक्त बिताऊंगा तो अच्छा लगेगा। हाँ मेरे गुल्लू। हाय। चुड़ैल, 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 गुल्लू। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप आ गए। लेकिन अम्मी, मैंने और मेरे गुल्लू ने तो आपको उसके चाचा के यहाँ इलाज के लिए भेजा था ना, वो भी पूरे एक महीने के लिए। आप इतनी जल्दी आ गए और इस हालत में? आजादी, आजादी, आजादी। ये भिखारन अंदर कैसा है? भगा इसको। ओ दो कौड़ी के आदमी, तुम इससे बात करो। बेगम तुम यहाँ, तुम तो अल्लाह, तुझसे मेरी कुछ दिन की खुशी भी नहीं देखी गई। इस बला को इतनी जल्दी क्यों वापस भेज दिया तूने? कौड़े की शक्ल के आदमी, बिल्कुल चुप कर जाओ वरना आज खत्म कर दूंगी। चुप 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 चुप। गुल्लू, जहाँ तूने और तेरी इस बीवी ने मुझे भेजा था वो दवा खाना नहीं, एक तबेला है। चाचा कोई चारा कर हकीम नहीं, एक तबेले वाले। मुझे इतना काम करवाया, मेहनत करवाई, मैंने 50-50 भैंसों का दूध निकाला, उन्हें नहलाया, उन्हें धुलाया, उन्हें चारा खिलाया, उनका गोबर साफ किया। छी 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 गोबर। ची 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 ची। नहीं नहीं, वो गोबर के शक्ल के आदमी, पैर रख के कुचल दूंगी समझे। निकल गया।
और बहू तुम? बताओ मुझे, मेरे अब्बू आएंगे, ढेर सारी दौलत लाएंगे, कहाँ है तुम्हारे अब्बू और कहाँ है उनकी दौलत? बताओ मुझे, कहाँ है तुम्हारे अब्बू और कहाँ है उनकी दौलत? बताओ, बताओ, बताओ। मुझे दौलत चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। बताओ, बताओ। चाहिए, चाहिए। अल्लाह, इतने सारे इल्जामों में एक साथ। आप लोगों को पता है मेरे चाचा हुजूर एक खास तरह के हकीम हैं और उनका इलाज भी खास तरह का होता है। उनका मानना है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए अपने मरीजों से काम करवाते हैं, हम मेहनत करवाते हैं ताकि शैतान भाग जाए और फिर मरीज की आत्मा एकदम अच्छी हो जाए आत्मा। और वो अपनी बीमारियां भूल जाए। पर क्या कर सकते हैं, मैं तो उन्हें बताना ही भूल गई कि आप एक नंबर की काम चोर हैं। क्या कहा? मेरा मतलब है अम्मी जान, मैं उन्हें बताना भूल गई कि आप अपने मुलायम मुलायम हाथों से कोई काम नहीं करती है। और बात रही मेरे अब्बा हुजूर की, तो आप जहाँ से भाग कर आ रही है ना, मेरा अब्बा हुजूर अभी अभी वहाँ गए हैं अपनी दौलत लेकर। आप नहीं मिली ना अम्मी जान तो उन्हें बहुत बुरा लगा, पर कर भी क्या सकते हैं। बहू, क्या इसका मतलब ये है कि हमें अभी भी वो दौलत मिल सकती है? हाँ अम्मी जान, अब्बा हुजूर अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी दौलत आप दोनों का इंतजार कर रही है वहाँ। बहू मुझे फौरन वहाँ भेज दो, चले चले। अरे रुके रुके, आप दोनों ऐसे कहाँ जा रहे हैं? पहले काम की आदत डालनी पड़ेगी ना। तो अम्मी जान आप खाना बना लीजिए और आप बर्तन धो लीजिए अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर कर लूंगा, सब कर लूंगा, सब बर्तन धो लूंगा, इनका चेहरा भी धो दूंगा। निकल गया मुंह से, चले। अच्छा अब हम चलते हैं बेटी। चाहिए चाहिए, जा रहा हूँ, चाहिए। जल्दी जल्दी। मेरी गुल्लू। हाँ? मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो ना गुल्लू। आओ बताता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम तुम्हें देंगे, दौलत, पैसे, सेवर, सब कुछ। ऐसी बात है तो मैं तुझसे तेरी जान मांगता हूँ, अपनी जान मुझे दे दे। और रही बात इस दौलत की, तो तुझे खाने के बाद मैं ये सारी दौलत लूट के ले जाऊंगा। आज मैं वजीर के कबाब खाऊंगा। अरे कोई हमें बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा तुझे। अली तीन चीजों के लिए अपनी जान भी दे सकता है, दोस्ती के लिए, सोने के लिए और सोने जैसे दोस्त के लिए। और तूने तो तीनों पर हाथ डाल दिया। अरे जरा जल्दी पीटो उसे। अंगूठी छम, जोर से चीखो और यहाँ से भाग जाओ, मैं संभाल लूंगा, जाओ। अरे मुझे मारने तो दो पहले, इधर आओ इधर आओ। अली वजीर आला। अली माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है वजीर आला, मैं अपनी जान पर खेल कर आपको बचाने आ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ आए कैसे? हम
यारी यारी हमें यहाँ खींच लाई। यारी मैं और आपका यार? अरे यार नहीं, यारों के यार। नहीं वजीर आला, कहाँ आप कहाँ मैं, कहाँ जूती कहाँ ताज, कहाँ कल और कहाँ आज। क्या तुम बातें कर रहे हो, जूती कहाँ आप कहाँ हम। वजीर आला शायद बचे होंगे 12। तुम हमें यहाँ से पहले नीचे उतारो। वही करने आया हूँ वजीर आला, मेरा मतलब है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्ती का एक मशहूर उसूल है, ना माफी ना शुक्रिया। ये कौन सा वाला है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर इंशाल्लाह। सफर को डराने में बहुत मजा आ रहा था, थोड़ा और डराया जाए। अली मैं यही हूँ, घबराइए मत वजीर आला। और हम भी यहीं पर हैं, अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो फिर आइए मेरे घर वालों को ढूंढते। वैसे वो लुटेरा काफी खतरनाक लग रहा था, थोड़ा संभल के। संभल के हमें नहीं, उसे रहने की जरूरत है। बहरहाल आप आगे चलिए, पीछे से कोई हमला हुआ या खतरा हुआ हम देख लेंगे। दोस्तों तो आप जैसा है ना। आइए। मेरी गुल्लू, शहजादी को ना मंगोल के सीपे सलार से मिलना और उन्होंने ये काम मेरे नाजुक कंधों पर डाल दिया। पर जब मुझे पता ही नहीं है कि वो सीपे सलार कहाँ है, तो मैं उसे शहजादी यास्मीन से कैसे मिलाऊंगा। शहजादी यास्मीन मेरे इस खूबसूरत चेहरे पर थप्पड़ पे थप्पड़ बजाएगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। महल में नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। मेरा मतलब है मेरे प्यारे गुल्लू, यही तो मौका है शहजादी यास्मीन को खुश करने का। तुम उनका काम पूरा कर दो, वो तुमसे खुश हो जाएंगे। मेरे पैदा होने पर मेरे अब्बू खुश नहीं हुए तो शहजादी यास्मीन क्या खाक खुश होगी। होंगी, जरूर खुश होंगी। शहजादी को मंगोल के सिपे सालार से मिलना है ना, तो मिलवा देते हैं। अली साहब, ये सारा का सारा सोना आपका है? ये मुट्ठी भर सोना, ये तो हमारी जायदाद के बाएं पांव के दाएं नाखून के नीचे लगी मिट्टी जितना भी नहीं है वजीर आला जी। मेरा मतलब है कि हमारे पास कम से कम 100 गुना ज्यादा सोना है। माशाल्लाह। और ये सोना आपने कमाया कैसे? वो तो राज है। और हम आपके राजदार हैं, बताइए ना। अरे नहीं, ये तो राज है वजीर आला। बताइए वजीर आला। चलिए ठीक है, आपके लिए। ये पोटली देख रहे हैं? हाँ। खोली। ये तो खाली है। राज है वजीर आला। राज तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना वजीर आला। अच्छा मैं जो कह रहा हूँ वो करिए, वहां पे खड़े हुई ये पोटली लेके एक पैर पे खड़े हो जाइए, एक आंख बंद करिए और गर्दन को 4 बार झटकिए। अच्छा, एक पैर पे खड़े होइए,
उंगली को पकड़िए, एक आंख बंद कीजिए और अपनी गर्दन को चार मर्तबा झटकिए। अरे आराम से। देखिए ये सब मजाक है तो हमें बता दीजिए तो हम बुरा नहीं माने। मैं बुजुर्गों के साथ मजाक नहीं करता। मेरा मतलब है कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैं अपने बड़ों की इज्जत करता हूं। ये उस इज्जत और हमारी दोस्ती के लिए। जादू का सोना मतलब चिराग के जिनकी तरह इस अली का सोना भी हमारे असली मकसद तक पहुंचने में काम नहीं आएगा। तो क्या ये बाकी का सोना भी ऐसे ही इस सोने की तरह जादू से पैदा हुआ है? गलतफहमी थोड़ी ना जो पैदा हो जाएगी वजीरे आला। ये खानदानी सोना हमारे बाप दादा ने कड़ी मेहनत करके कमाया। मैं तो बस इन सोनों की हिफाजत करता हूँ इस जादुई पोटली में जो कि अय्यारियों ने दी है। अब आप खुद देखिए इस पोटली को देख के लगेगा कि इसमें बेहिसाब सोना है। ये पोटली ही हमें हमारे असली मकसद तक ले जाने वाली सीढ़ी बनेगी। ये हमें मिल गई तो ना हमें अली की जरूरत होगी और ना इस गुफा में पड़े सोने की।